गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर आर के मुदगिल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी हरियाणा, एंड प्रेसिडेंट हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, सबसे पहले तो धन्यवाद आप तमाम साथियों का जिन्होंने ये मंच तैयार किया रियल लाइफ वेबिनार के नाम से, और इसमें हमें जुड़ने का मौका दिया बतौर स्पीकर। तो अभी आप तमाम लोग सुबह से देख रहे हैं, काफ़ी सारे लर्नर्ड स्पीकर हमारे, बहुत कुछ अच्छा बेहतर और हम सब के लिए कुछ ऐसा जो सही मायनों में फ़ायदेमंद होने वाला है। तो लोग जुड़ना शुरू हो चुके हैं। ख्याति चौरसिया, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून। और उम्मीद करते हैं कि जो मेरा आज का टॉपिक है, अवतार डोई सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। तो जो आज का मेरा टॉपिक है कि फिजियोथेरेपी सिनोनिम ऑफ लाइफ। बेसिकली आई एम नॉट हेयर टू टीच यू एनी टेक्निक और एनी न्यू रिसर्च एंड इन न्यू इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी। आई एम हेयर टू शेयर एनी आइडिया, ए प्रोवोकिंग थिंग विद यू ऑल, द फिजियोथेरेपी सिनोनिम ऑफ लाइफ। आई थिंक इट मे बी अ रूटीन टॉपिक फॉर यू ऑल, एंड इट मे बी अ समथिंग न्यू, समथिंग इनोवेटिव, एंड इट विल ऑल्सो प्रोवोक यूअर थॉट प्रोसेस ऑल्सो। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं। नीतू वर्मा मैम, हेलो, हेलो मैम। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये टॉपिक, और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और भी आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा कि आप अपने सवाल रख सकते हैं इस टॉपिक के बीच में भी, अपने सवाल रख सकते हैं, और मैं कोशिश भी करूँगा कि कुछ ऐसे सवाल जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं मैं उनके जवाब जरूर दूंगा आपको। तो जुड़े रहें, उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए ये आज का सेशन, मेरा ये लेक्चर आप लोगों के लिए भी कुछ फ़ायदेमंद होगा। कोशिश है, देखते हैं कितनी कारगर होगी। आप तमाम लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितनी कारगर हुई। तो आइए बात करते हैं फिजियोथेरेपी सिनोनिम ऑफ लाइफ, एज यू नो प्रेजेंटेड बाय मी, मैंने आपको बता ही दिया है। नाउ टेल मी, व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या है? ये अपने आप में एक बेहतरीन सवाल है दोस्तों। जहाँ साहब बोल रहे हैं गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। तो सर देखिए, लाइफ अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सवाल है। कुछ लोग लाइफ को किसी वे में लेते हैं, कुछ किसी वे में लेते हैं। इसकी अपनी भी एक पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन आज तक मैं समझता हूँ कि किसी ने कोई एक फिक्स डेफिनेशन लाइफ की शायद नहीं दी होगी। तो आइए चलते हैं कुछ ऐसी ही जो पहले दी जा चुकी हैं ऐसी डेफिनेशंस में से कुछ अपने लिए कुछ नया तलाशते हैं। नाउ व्हाट इज लाइफ? दे से इट्स फ्रॉम बी टू डी, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, बट व्हाट्स बिटवीन बी एंड डी? इट्स सी। सो व्हाट इज द सी? इट इज अ चॉइस। तो जैसा कि आपने देखा कि लाइफ क्या है, बर्थ टू डेथ, जीवन से लेकर मौत तक का जो आपका सफर है वो सारा का सारा लाइफ कंसिडर किया जाता है अमूमन फिलोसफर्स के द्वारा। तो अब आते हैं गीता पर, क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसने हर एस्पेक्ट पे बात की, हर एस्पेक्ट पे। तो उसमें एक लाइफ एक अपने आप में एक बड़ा एस्पेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कृष्णा, द लाइफ इज अ चैलेंज, लाइफ इज अ गिफ्ट, लाइफ इज अ एडवेंचर, लाइफ इज अ सोरो, लाइफ इज अ ट्रेजेडी, लाइफ इज अ ड्यूटी, गेम, मिस्ट्री, सॉन्ग, अपॉर्चुनिटी, जर्नी, प्रॉमिस, लव, ब्यूटी, स्प्रिट, स्ट्रगल, पजल, गोल। तो ये जितनी भी करेक्टर्स आपने देखी, ये तमाम करेक्टर्स जो हैं वो लाइफ के हैं, और इनको देने वाले कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। यहां मैं एक चीज और भी आप लोगों को साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण, आपको पता है, अगर मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे कि सबसे पहले फिजियोथेरेपी चिकित्सक कौन थे, अगर मैं ये सवाल आप लोगों से पूछूं कि वर्ल्ड के फर्स्ट फिजियोथेरेपिस्ट का नाम आप मुझे बताएं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जितने भी नाम आएंगे, अगर कोई मेरे साथी यहाँ कमेंट बॉक्स में बताना चाहें तो कोशिश करें, जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि वर्ल्ड के फर्स्ट फिजियोथेरेपिस्ट का नाम। चलिए मैं बता देता हूं, वर्ल्ड के सबसे पहले जो फिजियोथेरेपी चिकित्सक थे वो भगवान श्री कृष्ण ही थे। अब सवाल उठता है कि वो कैसे थे, तो उसका जवाब ये है कि अष्टावक्र, उस टाइम के जो एक ऋषि थे अष्टावक्र, उनको अष्टावक्र इसलिए बुलाया जाता था कि देर आर 8 फोल्ड्स इन देयर स्पाइन, 8 बैंड थे उनकी स्पाइन के अंदर, जिसको आज की मॉडर्न लैंग्वेज में, हम साइंटिफिक लैंग्वेज में स्कोलियोसिस बोलते हैं। तो जो अष्टावक्र ऋषि थे वो स्कोलियोसिस के पेशेंट थे, और जब वो श्री कृष्ण से मिलने गए तो उन्होंने उनके पैर पे पैर रख के और उनको दोनों बाजुओं के नीचे हाथ लगा के उनको अपने गले से लगा लिया, पूरा खींच के अपने साथ चिपका लिया था,
तो इसको अगर आप साइंटिफिक वे में समझे तो उन्होंने उसको ट्रैक्शन दिया था, सिंपली ट्रैक्शन। तो ये जो पूरा वृत्तांत है ये सारा का सारा मेंशन है, इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर मैं भी पब्लिश कर चुका हूँ जो ऑलरेडी जर्मनी एक कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेजेंट भी किया जा चुका है। और डॉक्टर उमाशंकर मोहंती हमारे जो एक्स आईएपी प्रेजिडेंट हैं उन्होंने भी इसके ऊपर अपनी बुक में पूरा इसका जिक्र किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये जानकारी बहुत ही कीमती है, बहुत ज़रूरी है और हम सब लोगों को होनी चाहिए जिन लोगों को शायद अभी इस दिशा में नहीं पता है। तो नाउ बैक टू द टॉपिक, नाउ टेल मी व्हाट इज फिजियोथेरेपी। देर आर सो मेनी डेफिनेशन, फंक्शनल, प्रोफेशनल, मोबिलिटी, एक्सरसाइज, सो मोर। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ, अब इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। द लाइफ इज इक्वल टू बर्थ टू डेथ एज वी ऑलरेडी रीड, फुल ऑफ चैलेंजेस, जर्नी, लव, स्ट्रगल, गोल्स एंड स्पिरिट। सेम इन केस ऑफ फिजियोथेरेपी ऑल्सो, बर्थ टू डेथ, फुल ऑफ चैलेंजेस, जर्नी, लव, स्ट्रगल, गोल, स्पिरिट। नाउ फिजियोथेरेपी फ्रॉम बर्थ टू डेथ, व्हेन वी डिस्कस अबाउट फिजियोथेरेपी फ्रॉम बर्थ टू डेथ वी कैन क्लियरली सी द प्रीनेटल फिजियोथेरेपी। वी हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेज इन फिजियोथेरेपी, प्रीनेटल फिजियोथेरेपी, पोस्टनेटल फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी इन पीडियाट्रिक कंडीशंस, फिजियोथेरेपी फॉर अडल्ट पॉपुलेशन फॉर सिंपल पेन टू मेजर सर्जरीज, फिजियोथेरेपी फॉर रूटीन गेरियाट्रिक कंडीशंस, फिजियोथेरेपी ड्यूरिंग इंटेंसिव केयर यूनिट्स एंड क्रिटिकल केयर यूनिट्स। तो आप इजीली देख सकते हैं कि फिजियोथेरेपी जैसे लाइफ, जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ पूरा एक सफर है वो लाइफ कहलाता है, वैसे ही फिजियोथेरेपी जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके साथ रहती है। इसकी जितनी भी ब्रांचेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो आपको प्रीनेटल टू सीसीयू, आईसीयू तक आपको अपनी तमाम अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट, फिजियोथेरेपी फुल ऑफ चैलेंज एज लाइक लाइफ, फिजियोथेरेपिस्ट फेस लॉट्स ऑफ चैलेंजेस ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ ईच एंड एवरी कंडीशन ऑफ पेशेंट्स, ईच न्यू कंडीशन एंड पेशेंट इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर, बट अ फिजियोथेरेपिस्ट गिव हिज बेस्ट टू अचीव द कंप्लीट रिकवरी। फिजियोथेरेपिस्ट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम ऑल द एज ग्रुप्स, सो डेफिनेटली द चैलेंजेस आर ऑल्सो मोर हाई इन दिस प्रोफेशन। डेफिनेटली आप देख ही सकते हैं, हम जब एक बड़ा एरिया, एक बड़ा लार्ज पॉपुलेशन का जो ग्रुप है उसको अगर हम कैटर करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास चैलेंजेस ज़्यादा होंगे, और जब चैलेंजेस ज़्यादा होंगे तो अपॉर्चुनिटी भी ऑटोमेटिकली उसके लिए हमारे पास ज़्यादा होंगी। तो ये तो रूटीन चैलेंज एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल होने के नाते हमारे साथ है ही है। इसके अलावा भी एक्सेप्ट दीज रूटीन चैलेंज इन इंडिया, फ्यू एडिशनल चैलेंजेस आर ऑल्सो प्रेजेंट फॉर फिजियोथेरेपिस्ट। अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो यहाँ हमारे लिए कुछ एडिशनल चैलेंजेस भी हैं, जैसे आइडेंटिटी क्राइसिस, लीगल इनएडिक्वेसी, नॉन फंक्शनल एसोसिएशंस, लैक ऑफ प्रोफेशनल यूनिटी, लो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन फ्यू केसेस, इनसफिशिएंट जॉब्स एंड सैलरीज। अगर हम इस टॉपिक पे ज़्यादा डिटेल में जाएं तो जैसा कि आपको सबको पता है आइडेंटिटी क्राइसिस, आज भी बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है कि फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, उसको लेके डिफरेंट डिफरेंट उन लोगों की आइडियोलॉजी है, डिफरेंट डिफरेंट उन लोगों की एविडेंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रखते हैं। मतलब आज भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न किसी ना किसी लेवल पर हमारे स्टूडेंट्स के बीच, हमारे प्रोफेशनल के बीच रहता है, जबकि इसको दूर करने की कोशिशें बहुत बार की हैं। मेरी भी एक ऑलरेडी एक वीडियो यूट्यूब पे, मेरे चैनल पर ऑलरेडी है जो ये क्लियरली कहती है कि हाँ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक उन्होंने एक वैलिड लॉजिक जो उसमें दिए गए हैं वो तमाम चीज़ें हैं। साथ में लीगल इनएडिक्वेसी की जब हम बात करते हैं तो देर इज़ नो काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल तो हमारे पास नहीं है, कुछ स्टेट में है, स्टेट लेवल पे काउंसिल्स भी हैं, बट वो भी ऑलमोस्ट एक्टिव और इनएक्टिव स्टेज में कहीं ना कहीं बीच में अनसर्टेनिटी में ही घूम रही हैं। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक है, तो वो भी हमारे को कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल बैरियर है, हमारे लिए एक चैलेंज है। उसके बाद नॉन फंक्शनल एसोसिएशंस, ये हम सबको पता है हमारे पास एसोसिएशन बहुत सारी हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशंस हैं, सेंट्रल एसोसिएशंस हैं, बट एज पर मी मुझे नहीं लगता, और मेरे को लगता भी है कि मेरी इस बात से काफ़ी लोग मेरे साथ ही सहमत होंगे कि ऐसी एसोसिएशन अभी पूरी तरीके से अपने आप को, अपना कैलिबर प्रूव करने में हमारे सामने फेलियर ही रही हैं। उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ है सच कोई इतना बड़ा इनिशिएटिव शायद नहीं लिया है जिससे एक आम स्टूडेंट, एक कॉलेज से जो बच्चा पास आउट होता है उसका उसमें कोई फेथ डेवलप हो सके। नाउ लैक ऑफ प्रोफेशनल यूनिटी, अगेन ए बिग इशू, बिग चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे अंदर यूनिटी है ही नहीं तो वो प्रॉब्लम करेगी करेगी, कहीं ना कहीं जब हम अपना कोई रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के सामने रखते हैं तो ये यूनिटी वाला कंसेप्ट कहीं ना कहीं आड़े आ ही जाता है। नाउ द लो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन फ्यू केसेस,
यहां मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूं इन फ्यू केसेस, ये ओवरऑल हर जगह नहीं है लेकिन कुछ जगह ऐसा भी है, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ काउंसिल, ड्यू टू लैक ऑफ लीगल इनएडिक्वेसी, जो दिक्कतें हैं कानूनी उनके चलते उसको कहीं ना कहीं लोगों के लिए वो एक पॉजिटिव साइड भी लेके आती हैं, कुछ बिजनेस माइंडेड लोग उसको यूटिलाइज करते हैं, तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं उसमें पीछे छूट जाता है। नेक्स्ट, इनसफिशिएंट जॉब्स, हम सबको पता है कि उसके लिए हमारे पास अभी भी इतनी पर्याप्त मात्रा में, ज़्यादा संख्या में हमारे लिए नौकरियाँ अभी भी नहीं हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक चैलेंज के तौर में फिजियोथेरेपी प्रोफेशन के लिए सामने आती हैं। नाउ फिजियोथेरेपी एज ए जर्नी, जर्नी द एक्ट ऑफ ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो क्या है सफर, सफर क्या है, एक आप सिरे से चलते हैं दूसरे सिरे के लिए। सो इन फिजियोथेरेपी प्रोफेशन द जर्नी इज स्टिल गोइंग ऑन विद ऑल दीज चैलेंजेस, फिजियोथेरेपिस्ट आर रेगुलरली डूइंग एफर्ट्स टू ओवरकम ऑल द चैलेंजेस थ्रू वेरियस मोड्स टू मेक दिस जर्नी स्मूथ। डेफिनेटली आप सबको पता है हमारे पास बहुत सारे चैलेंज हैं, लेकिन इसका मतलब क्या हम रुके, हम आज तक नहीं रुके, निरंतर हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और इस तमाम चैलेंजेस को ओवरकम भी कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं अपने जितना एक मैक्सिमम एक एफर्ट हम कर सकते हैं। फॉर मेकिंग अ जर्नी स्मूथ एज वेल नीड वी ऑल नीड स्ट्रॉन्ग पैशन, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, जील एंड लव। देयर इज अ मीनिंग इन एवरी जर्नी दैट इज अननोन टू द ट्रैवलर। जी हाँ, हम सब के लिए एक जिंदगी सफर है और उस सफर का, हर एक सफर का एक कहीं ना कहीं मंजिल भी होती है, उसका कोई मकसद भी होता है, और उस सफर को पाने के लिए, उस मंजिल को पाने के लिए, उस मकसद को पहुंचने के लिए स्ट्रॉन्ग पैशन, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, जी, लव, ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें अडॉप्ट करने होंगे। अगर हम ये अडॉप्ट नहीं कर सकते तो शायद कहीं ना कहीं हम उस सफर का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। नाउ फिजियोथेरेपी एज ए लव, When we talk about the love component in physiotherapy, first of all, a physiotherapist as a healthcare professional should possess all the qualities as per the Bible verses about love for his profession and patients. Bible says, love is patience, love is kind, it doesn't envy, it doesn't boast, it is not proud, it doesn't dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrong. तो जब आप लव की बात करते हैं तो बाइबल के अकॉर्डिंग उसमें साफ लिखा हुआ है कि प्यार क्या है। जब आप समर्पण की बात करते हैं, अपने आप को मिटाने की बात करते हैं, जब दूसरे को प्रायोरिटी आप देते हैं, तो वही तो है प्यार। और फिजियोथेरेपी प्रोफेशन इट्स अ रियल एग्जांपल ऑफ लव। यहाँ जितने भी हम लोग, हमारे प्रोफेशनल साथी, जब हम एक पेशेंट की केयर में जुड़ते हैं, एक ऐसा पेशेंट जिसके लिए बेड रिडन वो हो चुका है, जब आप उसके लिए एफर्ट करना शुरू करते हैं अपनी डेडिकेशन के साथ, उस प्योर लव के साथ, जब आप उसके लिए मेहनत करते हैं बिना इस बात की इच्छा किए कि आपको रिजल्ट कितने दिन में मिलेगा, कब तक मिलेगा, आप तमाम चीज़ों की कोशिशें करते हैं प्योरली डेडिकेटेड वे में, तो जाहिर सी बात है आप एक सही मायनों में लाइफ को जी रहे हैं। सो आई कैन से लव इज द मेन कंपोनेंट ऑफ फिजियोथेरेपी प्रोफेशन एज वेल एज आवर लाइफ। नाउ फिजियोथेरेपी एज ए स्ट्रगल, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ comes only through continuous efforts and struggle. You are stronger than you think you are. जी हाँ, बिल्कुल, जितना आप सोचते हैं आप उससे ज़्यादा strong हैं। Every professionals need strength and continuous growth. हम सबको पता है, सबको अपने profession में growth चाहिए, सबको अपने profession में strength चाहिए, तो same is applied for physiotherapy also and it can be achieved by struggle. तो इसका क्या रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल। Those who wants to be successful professionals, the only way is struggle because there is no shortcut of success. तो मेरे दोस्तों, कामयाबी का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, इकलौता एक ही रास्ता है और वो मेहनत है, वो आपका स्ट्रगल है। आप जितना करेंगे आप उतना आगे जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। जितनी भी मैंने आपको बताया कि डिफ़िकल्टीज़ हैं हमारी जर्नी में, जितने भी चैलेंजेस हैं हमारी जर्नी में, बट कोई भी चैलेंज आपको नहीं रोक सकता अगर आप अपने स्ट्रगल पर फोकस्ड हैं, आप अपने स्ट्रगल को निरंतर कर रहे हैं। नेक्स्ट, फिजियोथेरेपी एज ए गोल, गोल्स, सेट देम, बी देम, रीच देम। फिजियोथेरेपी सेट गोल्स इन देयर डेली रूटीन्स, प्रैक्टिस सम ऑफ देम आर शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म्स गोल टू असेस एंड अचीव द पेशेंट कंप्लीट रिकवरी थ्रू आउट हिज कैरियर
एंड नॉट ओनली फॉर पेशेंट्स, गोल सेटिंग शुड बी कंपल्सरी फॉर लाइफ आल्सो, बिकॉज इफ यू कांट ड्रीम यू कांट अचीव। तो दोस्तों ये बहुत ही एक प्यारी लाइन जो यहाँ लिखी गई है कि इफ़ यू कांट ड्रीम यू कांट अचीव। आज हम सुबह एक स्पीकर को सुन भी रहे थे, उन्होंने भी हमें बताया कि किस तरीके से थिंकिंग प्रोसेस हमारी लाइफ को, हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करती है। और ये कोई सिर्फ कहने या सुनने की बात नहीं, ये प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है। इफ़ यू कैन थिंक बिगर यू कैन डू। अगर आप कुछ बड़ा सोचते हैं, अगर आप कुछ बड़ा सोचते हैं, एक बड़ा सपना अगर आपके दिमाग में है तो वो आप डेफिनेटली अचीव करेंगे। लेकिन अगर आपके पास बड़ा सपना ही नहीं है तो आप किसी सपने के लिए दौड़ेंगे भी नहीं, और दौड़ेंगे ही नहीं तो किसी सपने को आप अचीव करेंगे भी नहीं। तो बड़ा अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना है तो आज से, अभी से, सबसे पहले आपको बड़ा सोचना शुरू करना पड़ेगा, बड़ा विज़न रख के चलना पड़ेगा। अगर आप छोटे विज़न के साथ अगर प्रैक्टिस में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप प्रैक्टिस में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे, और आप जहाँ हैं कहीं ना कहीं आप उसी स्ट्रगल के फेज में अपने आप को फील करेंगे। अभी रिसेंट एक एग्जांपल मैं आपको इसका देना चाहूँगा। मेरे पास एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, उसने मुझे बताया कि सर मैं प्रैक्टिस के शुरुआती दिनों में हूँ, मैं लगभग 4 साल से प्रैक्टिस के बीच अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आज तक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं आ पाई। तो मेरा उससे पहला क्वेश्चन यही था कि आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अचीव तो करना चाहते हैं बट उसके लिए आप कर क्या रहे हैं। तो उसने कहा कि सर मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो जब तक वो जॉब ही ढूंढ रहा है तो शायद वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो सकता। जब वो इंडिपेंडेंटली, क्योंकि जब आपको डिग्री, आपको बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी डिग्री जब UGC ने आपको प्रोवाइड की है तो आप यू आर फुल्ली एलिजिबल टू डू प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली इन एवरी सेक्टर ऑफ, इन एवरी सिटी ऑल्सो। तो कोई भी देश का ऐसा कानून नहीं है जो आपको प्रैक्टिस करने से रोक रहा है। तो आप एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में जाकर अपने आप को फाइनेंशियली भी स्टेबल कर सकते हैं, सोसाइटी की भी हेल्प कर सकते हैं। आज भी अगर हम बात करें, नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट कम हैं। दूसरा, जितनी भी आप सिटीज़ देखेंगे, अगर आप बड़े शहरों को छोड़ दें तो आज भी छोटे शहरों, कस्बों और देहात में फिजियोथेरेपी सर्विसेज नहीं है। तो वो कौन प्रोवाइड कराएगा? वो जिम्मेवारी हम फिजियोथेरेपिस्ट की ही है। तो अगर हम उनको वो सर्विस उनके डोर स्टेप पे वहीं उन्हीं के शहरों में, उन्हीं के कस्बों में अगर वो प्रोवाइड कराएंगे तो डेफिनेटली वो हमारे लिए भी बेटर होगा और उनके लिए भी बेटर होगा। और देखिए, इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। अगर अब, क्योंकि एक सवाल ये भी उठ सकता है कि सर जब हम बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की, तो ये इतना ईजी नहीं है। यस आई नो इतना ईजी नहीं है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। आप कोशिश तो करें, ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आपकी मेहनत पे है, आप कितना अच्छा करेंगे। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इंडिया से ही हैं, बाहर से नहीं हैं। दशरथ मांझी, किस किसने नाम सुना है? मेरे ख्याल काफ़ी लोगों ने सुना होगा। कौन है? माउंटेन मैन। क्यों कहा जाता है माउंटेन मैन? पूरे एक पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया था उन्होंने, सिर्फ एक छीनी और एक हथौड़े के साथ, बिना किसी सरकारी मदद के, बिना किसी सरकारी मशीनरी के उन्होंने ये सब कर दिया। और आज उनको पूरा वर्ल्ड जानता है। आप गूगल करेंगे उनके नाम से, इजीली आपको वो मिल जाएंगे। तो वो पहचान मेहनत के दम पे बनेगी, वो पहचान एक विज़न के साथ बनेगी, एक लॉन्ग टर्म विज़न। अगर वो ये सोचते, आपको पता है उन्होंने कितने साल में किया? 22 ईयर्स, 22 साल लगे उनको पहाड़ काट कर रास्ता बनाने में। अगर वो 2 दिन में ये सोचते कि मैं कुछ बड़ा करूँगा तो 2 दिन बाद शायद वो थक के बैठ जाते, उनको लगता कि 2 दिन तो पूरे हो चुके और मैं इतना बड़ा नहीं कर पाया। तो दोस्तों, कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा सोचना जरूरी है, कुछ बड़े इरादे रखने जरूरी हैं, बड़े गोल्स रखने जरूरी हैं, और वो गोल्स परफेक्ट होने चाहिए। तो आइए चलते हैं गोल सेटिंग। वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। जी हाँ, अभी आपको मैंने बताया, ये नेपोलियन हिल ने बोला था और बिल्कुल सही बोला था कि जो आप सोच सकते हैं वो आप अचीव कर सकते हैं। अब कितना बड़ा सोचना है ये आप पे डिपेंड करता है। आप जितना मैक्सिमम सोचना चाहें सोच सकते हैं, लेकिन उस सोचने के लिए पहले सोचिए और फिर उसको पाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब तक आप, वो एक मूवी में शायद डायलॉग भी है कि जब तक आप शिद्दत से मोहब्बत नहीं करेंगे तो जर्रे आपको हर जर्रा मिलाने की साजिश भी नहीं करेगा। तो आई थिंक आई एम राइट ऑन दिस पॉइंट। नाउ व्हेन वी डिस्कस अबाउट द गोल सेटिंग शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर S for specific, M for measurable, A for achievable, R for realistic and T for timely. तो दोस्तों, गोल सेटिंग जो है आपकी वो स्मार्ट होगी, तभी आप किसी भी प्रोफेशन में एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे। नाउ फिजियोथेरेपी एज अ स्प्रिट।
The spirit, the principle of conscious life, the vital principle in humans, animating the body and souls. Here in physiotherapy, it's not only a science, but it's an art of understanding and listening the language of pain of body in both physical and psychological aspects. In another terms, it's energy, strength of mind or determination. So in physiotherapy, it's much necessary component of profession to deal with various tough situations and conditions of the patients. If a physiotherapist feel real essence of it, no one can stop him to be the best professional as well as human being. तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं real spirit में एक profession को समझने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि जब आप अपने profession को अगर समझेंगे नहीं, तो definitely आप उसमें better करेंगे नहीं. आज भी जब मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट साथियों से भी मिलता हूँ, कुछ अच्छी पोजीशन में भी हैं और कुछ आज भी स्ट्रगल के दौर से गुजर रहे हैं, तो जब उनसे पूछा जाता है कि वो अपने आप को कहाँ रखते हैं, तो उनका जवाब हमेशा धुलमुल होता है. अगर आपसे पूछा जाए आप आज से 10 साल बाद खुद को कहाँ देखते हो, आप खुद लाइफ में क्या करना चाहते हो, अगर ऐसा कोई सवाल किसी हम बच्चे से पूछते हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा. अमूमन क्योंकि मैं टीचिंग में हूँ, जब कोई नया बच्चा एडमिशन लेके कॉलेज में एंटर करता है और हम उससे पूछते हैं कि आपने फिजियोथेरेपी कोर्स को क्यों चूज़ किया, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का जो रिप्लाई जो मैंने अपने इतने सालों के कैरियर में सुना, वो ये होता है कि सर मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया, रैंक थोड़ी कम आई, MBBS हो नहीं पा रहा था, तो मैं सोच रहा था कि मेडिकल प्रोफेशन में आना है तो फिजियोथेरेपी कर लूँ. यानी कि वी काउंट एज ए इट्स एज ए सेकेंड ऑप्शन, नॉट फर्स्ट ऑप्शन. तो जब तक ये हार्श रियलिटी हम लोगों के बीच में रहेगी, तब तक ग्रो होने के चांस बहुत कम हैं. जब एक बच्चा इसको एज ए फर्स्ट ऑप्शन अडॉप्ट करेगा, तभी उसमें कोई बेटरमेंट के ऑप्शन होंगे. अब मैं आपको इसके बेनिफिट बताता हूँ. आप देखिए, जब हम बोलते हैं कि जी फिजियोथेरेपी में ज़्यादा स्कोप नहीं है या स्ट्रगल ज़्यादा है, नंबर एक स्ट्रगल हर प्रोफेशन में है, तो कोई इशू नहीं है कि यहाँ है, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है. अगर स्ट्रगल ज़्यादा है तो डेफिनेटली यहाँ ग्रोथ के चांस भी ज़्यादा हैं. नेक्स्ट बात हम करते हैं कि जब हम किसी बच्चे से ये पूछते हैं तो उसका जवाब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसने सोसाइटी में वही सुना, वही सीखा, उसके दिमाग में वही चीज़ें सेट हो चुकी हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. आप एक सिंपल कंसेप्ट समझिए कि फिजियोथेरेपिस्ट आपका जो है ट्रीटमेंट की, जब हम एस्पेक्ट की बात करें, एक सिंपल पेन से लेके एक मेजर सर्जरी तक के पेशेंट को ट्रीट करता है. इवन जो पेशेंट सीवियरली डैमेज है, स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड है, जिन लोगों की बेड रिडन है, उन लोगों को दोबारा से चला के, दोबारा से उनकी लाइफ में वापस लेके आने का जो रोल प्ले कर रहा है, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट ही कर रहा है. तो आप कितने कीमती हैं, आपको शायद अपनी कीमत का एहसास नहीं. और जिस दिन, क्योंकि जब तक हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो शायद हमारे ट्रीटमेंट में वो कॉन्फिडेंस नहीं झलकेगा. पहले हमें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा. यहाँ मैं एक आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा जगदीश चंद्र बसु का. हम सबको पता है, रेनाउंड साइंटिस्ट थे इंडिया से. उन्होंने एक बार एक कॉन्फ्रेंस में ये कंसेप्ट रखा था कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है. जब इस कंसेप्ट को उन्होंने रखा, तो वहाँ स्टेज पे, मेन स्टेज पे लाइव उनकी इवेंट परफॉर्म कर रहे थे वो, तो उन्होंने जब ये रखा, तो उन्होंने इस बात को प्रूव करने के लिए, उन्होंने अपने इस कंसेप्ट को प्रूव करने के लिए पॉइजन एक सिरिंज में डाला, एक वायल रखी थी, उससे पॉइजन उस पर लिखा हुआ था, उन्होंने पॉइजन सिरिंज में लिया और उसने पौधे को, उन्होंने उस पौधे को वो इंजेक्ट कर दिया. जब पौधे को वो इंजेक्ट किया, तो थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वो पौधा मुरझाया नहीं. तो जैसा उन्होंने देखा, उन्होंने वो सिरिंज तुरंत अपने रखी और वो इंजेक्ट खुद को कर लिया. ये देखते ही उस कॉन्फ्रेंस में जितने लोग वहाँ मौजूद थे, सारे के सारे एक किस्म से शॉक में आ गए कि ये इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने अपने आप को पॉइजन इंजेक्ट कर लिया, पहले पौधे को किया और फिर खुद को कर लिया, ये क्या हो गया है, अब इनको बचाना बड़ा ही मुश्किल है. लेकिन कुछ देर बाद जब सब ने देखा, तो जगदीश चंद्र बसु, उनको कुछ नहीं हुआ. और थोड़ी देर में उनके असिस्टेंट ने आके बताया कि सर गलती से ये जो वायल है ये चेंज हो गई है, ये वायल चेंज हो चुकी है, इट्स ओनली फॉर प्लेसिबो इफेक्ट. ये दिखने में आपको मेडिसिन जैसा, पॉइजन जैसा लग रहा था, लेकिन ये पॉइजन नहीं है, सिंपल वाटर है, जो इसलिए असर नहीं हुआ. दैट्स वाई उन्होंने फिर उसको क्या किया, उन्होंने उनका कॉन्फिडेंस, आप देखिए यहाँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप एक साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस देखिए कि उन्होंने उस पॉइजन को खुद में ही इंजेक्ट कर लिया, क्योंकि वो डैम श्योर थे
कि जब इस पौधे का कुछ नहीं बिगड़ा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब उस कॉन्फिडेंस के साथ हम अपने प्रोफेशन में उतरते हैं, हम अपने लोगों को मदद करने के लिए उतरते हैं, हम अपने पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए उतरते हैं, तो डेफिनेटली हम वो सक्सेस भी अचीव करेंगे जिसके हम हकदार हैं। बट वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? थ्रू आवर लर्निंग, थ्रू आवर प्रैक्टिस स्किल, थ्रू आवर एजुकेशन। नेक्स्ट, नाउ एज पर द टॉपिक फिजियोथेरेपी हैज इट प्रूव अ सिनोनिम ऑफ लाइफ, नाउ आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड द लाइफ एंड फिजियोथेरेपी आर नॉट सेपरेटेड इन नेचर। इफ यू लिव योर प्रोफेशन एज योर लाइफ, देन डेफिनेटली यू विल बी एट द टॉप। लाइफ इज इक्वल टू फिजियोथेरेपी एंड फिजियोथेरेपी इज इक्वल टू लाइफ, एज पर मी आई इट्स अ मेन मोटो ऑफ माई लाइफ। बिकॉज इफ यू थिंक फिजियोथेरेपी एज ए लाइफ एंड लाइफ एज अ फिजियोथेरेपी, देन डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल लाइफ एंड यू विल लिव ए वेल्दी लाइफ। नाउ द टेक होम मैसेज इज एवरी प्रोफेशन एंड लाइफ हैव लॉट्स ऑफ चैलेंज, प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रगल्स, सेम एज इन फिजियोथेरेपी, बट इट डजंट मीन वी क्विट इट। इट मीन्स वी हैव मोर स्कोप टू ग्रो इन दैट सिचुएशन एज लाइक स्प्रिंग बाउंस कंसेप्ट। नाउ इट्स आवर चॉइस, चूज इट और लूज इट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि ये अब हमारे ऊपर है कि हम इसको चूज करेंगे कि लूज करेंगे, क्योंकि लाइफ जो बी और डी के बीच में वो सी है, वो चॉइस है। बर्थ और डेथ के बीच में जो सी थी वो चॉइस की थी, वो चॉइस आपकी है। आप इस प्रोफेशन को कितना सीरियसली लेते हैं, आप इस प्रोफेशन को कितना दिल से, कितना शिद्दत से लेते हैं, कितना समझ के लेते हैं। क्योंकि अगर आप चैलेंजेस की बात करेंगे तो डेफिनेटली जहाँ चैलेंजेस सबसे ज़्यादा होते हैं, ग्रोथ का स्कोप वहीं ज़्यादा होता है। जहाँ जितना लोग आपको पीछे खींचेंगे, डेफिनेटली आप उतना ज़्यादा आगे जाएंगे। तो इसलिए ये आज से ही सोचना बंद कर दें। बहुत सारे मेरे दोस्त ये सोचते हैं कि सर मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, मैं कुछ बढ़िया करना चाहता हूँ, लेकिन लोग मुझे पीछे खींच लेते हैं, लोग मेरे पैर पकड़ते हैं, मुझे अच्छा करने नहीं देते, वो मुझे बोलते हैं कि हट तू क्या करेगा। तो दोस्तों, ये दो चार चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मेरे आज के टॉपिक का जो मेन कंसेप्ट था वो टोटली यही था कि आप इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचिए, कुछ अलग, कुछ बेहतर सोचिए। आप फिजियोथेरेपी को एक लाइफ की तरह सोचिए, आप डेफिनेटली कामयाब होंगे। और जितना लोग आपको पीछे खींचेंगे, आप उतना आगे जाएंगे, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, ये प्रॉमिस है मेरा। और इतिहास में ऐसी बहुत सारी स्टोरियाँ हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जो आपको बताएंगी कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये अक्सर होता रहा है। जब भी कोई अच्छा करता है, उसको कुछ ना कुछ लोग रोकने के लिए हमेशा से आते रहे हैं। जितने लोग, शायद मैं समझता हूँ कि जब लाइट का आविष्कार, बल्ब का आविष्कार हुआ होगा, तो लोगों ने उनको भी कहा होगा कि क्या बेहूदगी कर रहे हैं, कुछ अलग ही पागलपन है, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, बल्ब का आविष्कार हुआ और आज हम सब इस्तेमाल करते हैं। शायद मोबाइल जब आया होगा, शायद हमारे बुजुर्गों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन हम घर बैठे बात कर रहे होंगे। आज लॉकडाउन को ही ले लीजिए, अगर आज से कुछ साल पहले लॉकडाउन हुआ होता तो शायद हम घरों में कैद होते और हमें ये समझ ना आ रहा होता कि हम क्या करें। लेकिन आज हम घरों में हैं, लेकिन सिर्फ शरीर करके, सिर्फ शरीर हमारा घरों में है, हमारे विचार, हमारे सोच, और हम बिल्कुल भी घरों में नहीं हैं। हम जुड़ रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, आपसे शेयर कर रहे हैं अपनी नई नई चीज़ें, आप हमसे शेयर कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि लॉकडाउन कहीं ना कहीं इंडियन फिजियोथेरेपी के लिए तो एक वरदान की तरह शायद साबित हो रहा है इस दिशा में। क्योंकि आप देखिए, लॉट्स ऑफ वेबिनार्स आर देयर, लॉट्स ऑफ वेबिकॉन्स आर देयर, अभी हरियाणा, अभी राजस्थान, फिर राजस्थान में कुछ और भी एक्टिविटी अभी प्लान हो रही है। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, हम घरों से नहीं निकल रहे हैं, घरों के अंदर बैठ के सेफली हम लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं, थॉट प्रोसेस अपनी इवॉल्व कर रहे हैं, कुछ नए कंसेप्ट, चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो मेरा जो आज का ये टॉपिक था, बेसिकली इसका फंडा यही था। क्योंकि आप सुबह से सुन रहे हैं, बहुत सारे लर्नर्ड स्पीकर्स ने आपको बहुत सारी नई टेक्निक, न्यू इनोवेशंस, न्यू आइडियाज दिए हैं, बट मेरा जो कंसेप्ट कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी में, हमारे लोगों को ये लगता है कि वो एक गलत प्रोफेशन में है। और जब तक उनको ये लगेगा, आई अश्योर यू, ग्रोथ नहीं हो सकती, कुछ भी चांसेस नहीं है। और जिस दिन आपको ये लगना शुरू हो गया कि अहम ब्रह्मास्मि, ये एक संस्कृत का वाक्य है जिसका अर्थ है कि मैं स्वयं ब्रह्मा हूं, आई एम गॉड, आई एम द क्रिएटर, जब आपको ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आप स्वयं ब्रह्मा हैं, तो डेफिनेटली आप क्रिएट कर सकते हैं। यू आर क्रिएटर, आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखें,
खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। ये कहने वाले सर चौधरी छोटू राम हरियाणा की धरती से बिलोंग करते थे। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही, कितना अच्छा कंसेप्ट उन्होंने दिया, कितना अच्छा थॉट प्रोसेस उन्होंने दिया कि आप अगर अपने आप को बेटर कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप बेटर होंगे, आप आगे बढ़ेंगे। नो वन कैन स्टॉप यू। नाउ थैंक यू माय फ्रेंड्स, माय स्लाइड्स ओवर नाउ, और होपफुली आपने काफी कुछ इनसे सुना होगा और उसमें शायद थोड़ा कुछ आप सीखेंगे भी और कुछ ना कुछ आप किसी को आगे बांटेंगे भी, क्योंकि ये शेयरिंग और केयरिंग वाली बात है। जब आप किसी चीज़ की केयर करेंगे तो शेयर भी करेंगे, और जब आप शेयर करेंगे तो नॉलेज डेफिनेटली आप एनहांस करेंगे। और ये डिजिटल वर्ल्ड की यही खूबसूरती है कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ बोल रहा हूँ और इससे ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं शेयर होकर कहीं और आगे बढ़ेगा, और ये हमने शायद कहीं ना कहीं इमोर्टल मैटर क्रिएट कर दिया है। अमर हो चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग, कि शायद आने वाली पीढ़ियां जब हम नहीं भी रहेंगे तो शायद हमारे लेक्चर्स, हमारे थॉट प्रोसेस उन तक पहुंचेंगे, क्योंकि वेब वर्ल्ड्स में ये चीज़ें कभी मरती नहीं, हमेशा बस ट्रैवल करती रहती हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए शायद थोड़ा बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ज़्यादा तो खैर आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मुझे पता चलेगा। पल्लवी दत्त कह रहे हैं कि वेरी इंस्पिरेशनल सर, थैंक यू मैम, आपने अप्रिशिएट किया, और उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लोगों को यहाँ कुछ ना कुछ जो मेरे यहाँ अभी मैंने आपके सामने विचार रखे तो उनसे कुछ ना कुछ विचार, शायद कुछ मेरी बातों से वो सहमत भी होंगे, और उम्मीद भी करता हूँ कि आगे जुड़कर कुछ मिलकर कुछ बेहतर हम लोग कर भी सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप अपने कोई भी प्रोफेशनल सवाल जो आपको लगते हैं आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आज के दिन हम लोगों को ज़रूरत है कुछ बेहतर करने की। हम क्योंकि हम सुबह लेक्चर में सुन रहे थे, सर ने भी बोला ना कि दो तरीके हैं, या तो ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करो या आप उसको प्रोग्राम करके फिर उसको फॉलो करो। तो प्रोग्राम करके फॉलो करेंगे डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलेगी। गोल शुड बी स्मार्ट। अगर आप स्मार्ट वे में थॉट प्रोसेस को अपनी वॉक करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले टेक होम मैसेज मेरी तरफ से, आज से अभी से जो लोग इस प्रोफेशन में हैं वो ये सोच लें कि वो इस दुनिया के सबसे खूबसूरत प्रोफेशन के अंदर हैं। आप सारे के सारे लोग स्वयं ब्रह्मा हैं, स्वयं क्रिएटर हैं। आप लोग एक बेड रिडन मरीज को दोबारा जिंदगी देते हैं, आप एक बेड रिडन मरीज को दोबारा दौड़ाते हैं। सबसे ज़्यादा जो जुड़ाव एक पेशेंट फील करता है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट से फील करता है, क्योंकि सर्जन भी एटलीस्ट कहीं ना कहीं सर्जरी करके उसको बेड पे लेके आता है, लेकिन आप लोग उसको उस बेड से उठा के वापस उसकी लाइफ में लेके आते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर प्रोफेशन। तो ये जो गुण है ये आप सबके अंदर है, आप बस इसको समझिए, इसको सोचिए, एनालाइज कीजिए, अप्लाई कीजिए। मैं श्योर करता हूं आपको कि आपको प्रैक्टिस में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप हर आदमी अपने आप में खुदा है, और जब आप इतना कुछ अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, जो उन पेशेंट्स की दुआएं जिनको आप ठीक करते हैं मैं कहता हूं, वो आपको हर हद तक मदद देंगी, हर हद तक आगे लेकर आएंगी। अधिकारों की बात रखें, लेकिन जब अधिकारों की बात रखते हैं तो कर्तव्य पहले करें, ये मैं अक्सर बोलता हूँ। तो हमारे बहुत सारे अधिकार हैं जो हमें आज भी सरकार से लेने हैं, और डेफिनेटली हम अपनी डिमांड टाइम टू टाइम सरकार के सामने रखते भी रहते हैं और आगे भी रखेंगे, बट पहले क्या है, कर्तव्य है, ड्यूटी। तो पहले उस ड्यूटी को फोकस करें। ड्यूटी हमारी क्या है, जो पेशेंट्स की केयर है वो बेस्ट हो, उनको ट्रीटमेंट मिले, बेस्ट मिले, जो है वो सब एक डिलीवरी, एक एज एकेडमिशियन मेरी ड्यूटी क्या है कि मेरे स्टूडेंट्स को जो है बेस्ट मिले। तो जब हम हर आदमी अपनी ड्यूटी को सिंसियरली फॉलो करेगा तो डेफिनेटली हम सारे के सारे लोग बहुत कुछ बेहतर अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, और उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर कुछ हद तक ही सही पर आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं कामयाब होगा। आप लोगों से शायद मैं जुड़ पाया हूँ, कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। और आप तमाम लोगों को पता भी है कि मैं हरियाणा से हूँ, तो ऐसे मेरे कोई भी साथी जिनकी कोई भी ऐसी प्रोफेशनल क्योरी हो वो मुझसे कभी भी कहीं भी जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नंबर 9416632667, किसी भी प्रोफेशनल हेल्प के लिए मेरा कोई भी साथी मुझे कभी भी कॉल कर सकता है।
तो इन्हीं शब्दों के साथ अलविदा दोस्तों, और एक बार फिर से शुक्रिया डॉक्टर अवतार डोई, डॉक्टर संदीप वैष्णव, डॉक्टर अतुल सिंह और तमाम टीम में मौजूद ऐसे लोगों का जिन्होंने ये मंच दिया, हमें यहाँ बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय फिजियोथेरेपी दोस्तों।